तो गाइज यार, अभी तक आपने देखा कि यार लास्ट वाली गेम प्ले में मैं और सिंचन गए थे कुछ स्क्रैप लेने, कबाड़ा लेने के लिए, क्योंकि यार जो हमें गाड़ियां बनानी थी उसके लिए कबाड़ा चाहिए। तो यार कबाड़ा लेके फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे। अब आगे तो गाइज यार देख रहे हो, फाइनली यार बत्तख की मुंह की सारी गाड़ियां तैयार हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कोई चूहा और चूहिया के बीच में लड़ाई हो गई और चूहिया बुरी तरह पीट दी गई जब उसने ऐसा मुंह बना लिया हो। ओके गाड़ियां सारी तैयार हो चुकी है, शाबाश बैनी। और बताओ चिलगुजो कैसी गाड़ी लग रही है? अरे सुमित भैया एकदम खतरनाक लग रही है, बोलो तो इन सभी को थोड़ा गिफ्ट दे दूं। अबे नहीं नहीं तेरे को गिफ्ट नहीं देना। साइमन बैनी शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे सुन दे मेरा गिफ्ट, क्या गिफ्ट देना चाहता है तूने? अरे सुन दे सबकी गाड़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा पार देता हूँ। अरे मैडम जी और मैडम जी अंकल जी किसी को चाहिए सिंचन का गिफ्ट? नहीं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। सिंचन को इंटरेस्टेड ही नहीं है तेरे गिफ्ट के अंदर। अरे ये लोग पागल है, अमृत को छोड़ रहे हैं। सिंचन टेंशन मत ले, तेरे अमृत को और कभी बेकेंगे, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ियां बेक देते हैं। अरे सुन गया क्यों रहे हो सिंचन, एक सेकंड में सारी गाड़ियां बिक गई। हम ऐसे ही काम करते हैं। हम तो ऐसे ही काम करते हैं भाई, मुझे पता नहीं था टकले की बुद्धि और इंजीनियर का हाथ जब मिलेगा जब ऐसा कमाल होएगा। अरे टकला किसको बोल रहा है? अबे साइमन टकला है तो टकला ही है तू। अरे टकले के सिर के ऊपर थोड़ा तेल लगाओ। और गाइस यार अभी तुम्हारा भाई जा रहा है इस पिंक दुल्हन को लेके, यार बेबी को देने के लिए आता ना, बेबी की गाड़ी लेके आए थे उसकी वाइफ की, तो उसको देके आता हूँ, वरना यार पता चले कि बेबी की यार एस्तेसी कर दी उसकी वाइफ ने, बोला कि मेरी गाड़ी को लेके गया वो। इससे पहले ये सब इसलिए मेरे को जल्दी जाके गाड़ी डिलीवर करनी है। ओ भाई यार गाड़ी तो काफी ज्यादा कमाल लग रही है और इसमें पावर को ज्यादा नहीं डलवा दी क्या यार मैंने? कहीं उसकी वाइफ पता चले कल ऊपर पहुंच जाए यार, ज्यादा तेज गाड़ी चलाकर हो भी सकता है यार, पागल होती है लड़कियां, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। तो फाइनल गाइस यार हम लोग आ चुके बेबी के घर के पास, और पता नहीं ये पागल लॉस सैंटोस वासियों ने इतना जाम क्यों लगा रखा है भाई रोडों के ऊपर। मेरे को अब रोड भी बनवाने पड़ेंगे क्या खुद से ही? यार सरकार कुछ करते क्यों नहीं है, पागल है क्या, दारू पी के पड़ी रहती है। बेबी बेबी ले मैं आ गया तेरी गाड़ी लेके। अरे ये मेरी गाड़ी है क्या? हाँ भाभी जी ये आपकी गाड़ी, कैसे लगी आपको? अरे अरे सुमित क्या कमाल किया है तूने। अरे हम तो ऐसे कमाल करते हैं। अरे वाह पिंक कलर तो मेरा फेवरेट है, अब तो मैं इसे भगाऊंगी। नहीं भगाना मत भाई। नहीं नहीं भगाने दो इसको, और तेज भगाना, जितनी तेज हो सके उतनी तेज भगाना। ओके ओके भगा लेना मैडम जी, मैं समझ गया बेबी ऐसा क्यों बोल रहा है, शायद वो अपनी वाइफ से तंग आ चुका है इसलिए यार वो उसको भगाने को बोल रहा है। और तुम यहाँ पर गाड़ी बताओ कैसी लग रही है यार, देख रहे हो ना मुझे तो कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही, क्योंकि यार ये लड़कियों की गाड़ी और लड़की की गाड़ी मुझे क्यों अच्छी लगेगी पिंक कलर की। अरे बहुत मस्त है। चल ठीक है बेबी मैं जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा और काम है, बाद में मिलते हैं, और कोई गाड़ी मॉडिफाई करानी हो तो बता देना मेरे को। अरे हाँ क्यों नहीं बिल्कुल। ओके मैडम जी तो काफी ज्यादा खुश हो गई मेरे हिसाब से। ठीक है मैडम जी इसके ऊपर तोते उड़ाइए मुर्गी उड़ाइए, मेरे को कोई लेना देना नहीं। और ये साइमन की फोन मिला रहा। हाँ टकले क्या हो गया? अरे सुमित जल्दी आ थोड़ा काम है यार। ओहो काम है क्या काम है? अरे यार कोई मिलने आया है यार, गाड़ी की बात करने आया है। अच्छा गाड़ी की बात करने आया है, हाँ जल्दी आ जा जल्दी बहुत जल्दी आ जा अर्जेंट अर्जेंट। ओके तो गाइस यार ओए बेबी सुन, तो इसके साथ गुड़छल्ले उड़ा ले, मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को असल में टकलू बॉय ने बुलाया। ठीक है हाँ ठीक है सुमित ठीक है, बाय 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 बाय। ओके तो लेट्स गो गाइस यहाँ से निकलते हैं, अब मेरे को पैदल जाना पड़ेगा घर पर। इट्स नॉट गुड यार, सो बुरा। ओह माय गॉड। ओ यार बीच रास्ते में मेरे को याद आया मैंने मोटरसाइकिल अपनी यार रिपेयरिंग के लिए दे रखी, तो अपनी मोटरसाइकिल लेके मैं आ चुका हूँ शोरूम के ऊपर। भाई क्या हो गया बोल? अरे ये क्या है, ये सोफा वोफा कौन लेके आ गया यहाँ पर? अरे यार सोफा नहीं लग रहा मेरे, कुछ और ही जुगाड़ है यार ये तो। हाँ कुछ और ही जुगाड़ लग रहा है मेरे को यार ये वाला तो। ओ भाई साहब ये क्या है? अरे ये कौन भाई साहब ये कौन है? अरे सुमित मैं इसकी तो बात कर रहा था। अरे सुमित भैया इसको पाद खरीदना है। क्या भाई साहब आपको पाद खरीदना है सिंचन का? अरे नहीं मेरे को पाद नहीं खरीदना, मेरे को तो पैसा चाहिए। अरे सिंचन क्यों बकवास कर रहा है यार, इसको कहाँ पाद खरीदना है तेरा? अरे सुमित मैं बताता हूँ, सिंचन की बात पे मत जा तू। हाँ तो अच्छा भाई साहब ये है? हाँ हाँ ये असल में अपनी गाड़ी बेचने आए हैं। पर भाई साहब आपने मेरी गाड़ियाँ बेची बिना मेरी इजाजत के, जो आप वो पिकाचू वाली गाड़ी बेच रहे थे ना? पिकाचू नहीं वो टेडी बियर। हाँ जो भी वो गाड़ी थी वो असल में मेरा डिजाइन था, आपने बिना मेरी अनुमति के मेरा डिजाइन बेचा है, तो मुझे उस गाड़ी का कमीशन चाहिए। और अगर आप नहीं चाहते कमीशन देना तो मुझे काम पे रख लो, मैं आपके लिए और बहुत सारी गाड़ी लेके आया हूँ। भाई यार इसके पास गाड़ी तो एक से एक है, कमाल की यार, कहाँ से सोच रहा है तू? अरे सर मैं जब टॉयलेट के अंदर बैठा रहता हूँ ना तो टट्टी करते हुए सोचता हूँ, जब ही तो ऐसी खतरनाक गाड़ियां ऐसी सोच जब ही आ सकती है जब कोई आदमी उल्टा ही काम करता रहे। यार गाड़ियां तो तेरी खतरनाक, पर भाई इस बंदे को मैं काम पे नहीं रख सकता, क्योंकि हर किसी को अगर मैं काम पे रख लूंगा तो यार वो दिक्कत हो जाएगी ना।
हाँ बताइए भाई साहब, क्या रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे? हाँ सर, सर क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? हाँ भाई देख, मेरे को एक सेकंड बात करनी पड़ेगी। ओए साइमन क्या रे? अरे सुमित मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ये सारी की सारी गाड़ियाँ देख ली है, डिजाइन मेरे दिमाग में छप चुका है दिमाग में। तो एक काम, इस आदमी को जाने दे, मैं अपने आप से बना दूँ इन सारी गाड़ियों को। ओके ओके भाई साहब, नहीं चाहिए आपकी गाड़ियाँ, कोई जरूरत नहीं आपकी गाड़ियों की। भाई साहब गाड़ी तो आप नहीं ले रहे हो मेरी, ठीक है पर मेरा कमीशन तो दो जो आपने मेरी गाड़ी का डिजाइन यूज किया है। भाई यार वो आपकी गाड़ी का डिजाइन क्या था, मैंने तो उसको खरीद लिया था ना। अरे भैया आपने वो एक गाड़ी खरीदी थी ना कि मेरा डिजाइन खरीदा था। चलो मैं ठीक है, काम करता हूँ, आपका कमीशन आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, और आगे से यहाँ भटक मत जाना मेरे शोरूम के पास, ठीक है? आया सब? हाँ ठीक है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी नहीं दिखूंगा, बाय बाय। अरे सुमित भैया उसको तो गिफ्ट दे दे तो मेरा। अब सिंचैन चुप हो जाना, तेरे पाद को किसी को भी कदर नहीं है, ठीक है? ओके यार सिंचैन, साइमन और बेनी, पता नहीं तुम लोग इतने पागल क्यों लगते हो मुझे। अरे सुमित पागल किसको बोल रहे हो? ओए साइमन सुन, तू स्टार्ट कर काम गाड़ियों का, और तेरे को बेनी। अरे मेरे को असल में स्क्रैप्स की जरूरत है ना और भी ज्यादा। एक काम कर सिंचैन, तू जाके स्क्रैप लेके आ, ठीक है? हाँ सिमट भी है, ठीक है स्क्रैप लेके आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे को मेरी बाइक मॉडिफाई करवानी है। क्या तुम्हें बाइक मॉडिफाई करवानी है और हमसे काम करवा रहे हो? अरे तेरे को ऐसा मन पत्थर तोड़ने को नहीं बोला, स्क्रैप कलेक्ट करने को बोला, जैसे कल लेके आए थे जाके तू और मैं, वैसे ही लेके आना है सिर्फ कबाड़ियों से, ठीक है? जा लिया या जाके आराम से, कान मत खाया कर हमेशा मेरा। हम यार ये तीन इतने ज्यादा बोलते पका देते यार मेरे को। वो फिलहाल मैं क्या बोल रहा था, मैं असल में इस बाइक को मॉडिफाई कराने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार तुम्हारा भाई बाइक के बिजनेस में भी घुसना चाहता है। मैं नहीं चाहता मेरे पास सिर्फ गाड़ियाँ हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास गाड़ियाँ भी हो, मेरे पास बाइक्स भी हो, और मेरे पास एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब कुछ हो जो इस दुनिया के अंदर बिकता है। तो फिलहाल यार तुम्हारा भाई जा रहा है खतरनाक कारीगर ढूंढने के लिए जो मॉडिफाई कर सकता है बाइक्स को। तो यार मेरे को पता है कहाँ पर मिल सकता है वो कारीगर जो हमारी बाइक्स को मॉडिफाई कर सकता है। तो फिलहाल यार तुम्हारा भाई आज कल लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट के पास, यार यहाँ पर एक बंदा है काफी अच्छी रिपेयरिंग करता है, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा के देखते हैं, सॉरी मोटरसाइकिल को। आ जाइए कैसी मॉडिफाई करवानी भाई आपको? यार गाड़ी तो इसने कमाल बना दी है। अरे बाइक है यार, मैं गाड़ी क्यों बोल रहा हूँ उसको बार बार। ओ भाई यार ये तो हरे रंग का कबाड़ा था और ये देख रहो क्या बना दिया भाई इस बंदे ने, भाई इसके हाथों में तो जलवा है। ओ आजा बाहर, बाहर आजा एक बार, जिसने ये गाड़ी मॉडिफाई की है मेरी, फिर गाड़ी बोल रहा हूँ बाइक मॉडिफाई की है जिसने मेरी, भाई पावर भी काफी अच्छी आ चुकी बाइक के अंदर, काफी पावरफुल लग रही है यार। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस काम पे रखना चाहिए इस बंदे को? आने दो। आजा भाई कौन है, किसने की है मॉडिफाई? हाँ मैंने की है मॉडिफाई। ओहो चिंकी चोकली? हाँ भाई साहब चिंकी चोकली नहीं है, नेपाली है, नेपाली। अच्छा नेपाली है तू, हाँ तो नेपाली वाले भी हम चिंकी चोकली मानते हैं। नेपाली भाई साहब क्या आप कर सकते हो गाड़ी को मॉडिफाई अच्छे तरीके से? हाँ नहीं सर, हम तो मोटरसाइकिल करते हैं। हाँ मतलब मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर सकते हो, मेरे लिए काम करोगे? मैं काफी अच्छे प्राइस दूंगा आपको। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आप तो वही हो ना सुमित जिनका बहुत बड़ा शोरूम है। हाँ जानते हो मेरे बारे में? अरे सर आपके तो चर्चे चल रहे चर्चे अखबारों में। अखबारों में चर्चे चला जाए नेपाली बैठ गाड़ी के अंदर। ओहो गाड़ी तो यार गाड़ी 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 मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाए यार, मोटरसाइकिल तो काफी अच्छी मॉडिफाई करता है नेपाली, तू चल जल्दी बैठ जा। हाँ ठीक है सर, जैसा आप बोल रहे चलो लेट्स गो। कोई तेरे को प्रॉब्लम नहीं है मैं तेरे को नेपाली बोल रहा हूँ? अरे सर कोई बात नहीं, हम नेपाल से हैं तो नेपाली बोलोगे ना। हाँ बात तो सही है यार, ये बंदा अच्छा है, चिढ़ता नहीं है उल्टी सीधी बात तो। लेट्स गो गाइस, चलते हैं जल्दी से घर पर और भाई नेपाली को मिलाते हैं दोस्तों से। तो यार फिलहाल हम लोग वापस आ चुके अपने घर पर, और भाई सब यार सिंचैन को पता लगाने में एक नेपाली को लेके आया हूँ तो यार वो तो मेरा दिमाग खा जाएगा, बस वो यहाँ पर हो ना। ओके ओके। अरे सर क्या है खतरनाक शोरूम है आपका, ज्यादा अच्छा है क्या? अरे सुमित ये किस नेपाली को ले आए तुम? अरे यार अरे अरे ये अपना दोस्त है। अरे नेपाली क्या काम का? अबे यार नेपाली मत बोलो यार इसको बेचारे को। अरे बोलना नेपाली को, नेपाली ना बोले तो क्या बोले काली? अबे तू छोड़ टकले, तू टकले चुप रहा कर, ठीक है? सुन बेनी ये तेरे डिपार्टमेंट का आदमी है, जैसे तू गाड़ियां मॉडिफाई करता है ये करेगा बाइक मॉडिफाई, ठीक है? हाँ ठीक है सुमित, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो। हाँ और भाई तुम लोगों का आवाज चेंज करो यार, सेम हो गई है तो नेक्स्ट गेम प्ले में चेंज कर दूंगा दोनों की आवाज, ठीक है? देख यार यहाँ पर बंदे ने मॉडिफाई दे कैसी की बाइक यार, डबल साइलेंसर लगा दिया भाई, धूम मचा ले, फोर मचा ले, ऐसी बना दी बिल्कुल खतरनाक वाली। अरे चल छोड़। अरे सिंचैन कहाँ पर गया? सिंचैन नहीं है अभी तक। अरे ये सिंचैन कौन है? अबे भाई उससे नहीं मिले तो अच्छा है तू, मैं चाहता हूँ जब जब सिंचैन यहाँ पर आए तू छुप जाए कहीं पर जाकर। तो गाइस यार सिंचैन तो मेरे हिसाब से अभी तक आया नहीं, और भाई हमारी तीन बंदों की टीम हो चुकी है, एक हो गया हमारा गाड़ी बनाने वाला बाइक बनाने वाला, और एक हो गया अपना बाइक सेलर, वो हो गया साइमन, बस एक दाढ़ी बनाने वाला और चाहिए, मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है। चलो मैं सिंचैन के पास चलता हूँ, पता नहीं कहाँ मर गया जाकर। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो को मैं पार्ट 3 लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट 3। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ के आए तो यार सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा।